जय हिंद। आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेट्रो में निकलिंग असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की भर्ती के बारे में। इस भर्ती में दोस्तों इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और CAPF जैसे कि दोस्तों CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB और स्टेट पुलिस के एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो हैं बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में, ठीक है। तो BMRCL यानी कि बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। 13 अगस्त 2024 के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये दोस्तों वैकेंसीज हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। सैलरी वगैरह आपकी अच्छी खासी है, एज लिमिट आपकी 60 तक है, 60 से भी ऊपर अगर आपकी एज लिमिट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज हैं, मैं आपको पहले ही बता दिया है, कोई भी कन्फ्यूजन वाला इसमें मामला नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि ASO की वैकेंसीज हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 58, ठीक है। इस भर्ती में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स, नेवी और स्टेट पुलिस और RPF, CRPF, BSF यानी कि CAPF की जितनी भी फोर्सेस हैं प्लस स्टेट पुलिस पूरी ऑल इंडिया के इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट जो दोस्तों आपके एप्लीकेशन की है वो है दोस्तों ऑनलाइन की 9 सितंबर 2024 और ऑफलाइन की है दोस्तों 13 सितंबर 2024, ठीक है। चलिए अब आपको दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पर दोस्तों जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 62 ईयर्स, ठीक है। यानी कि 62 ईयर्स आपकी अगर एज है या इससे कम तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 58 है दोस्तों। एक चीज़ और भी है, सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल इन द रैंक ऑफ जूनियर कमीशनड ऑफिसर, ठीक है। इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके रैंक आर्मी में जूनियर कमीशनड ऑफिसर यानी कि आपकी GSU होना जरूरी है। उसके बाद में अगर आप दोस्तों एयरफोर्स में हैं तो इसके इक्विवेलेंट, और अगर आप पुलिस में हैं तो सब इंस्पेक्टर या फिर ASI आपके रैंक होनी जरूरी है, तभी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इस भर्ती में आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप दोस्तों सर्विंग भी हैं और आप कुछ समय बाद, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा, रिटायर होने वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है दोस्तों बात कंसोलिडेटेड पे एंड अलाउंसेस की। तो अगर आपकी एज दोस्तों 60 साल से कम है तो आपकी जो पेमेंट बनेगी दोस्तों कंसोलिडेटेड वो है दोस्तों आपके 32,950 पर मंथ, प्लस आपके लिए पूरे अलाउंसेस भी मिलेंगे जैसे कि ट्रेवल अलाउंस, NPS, GPA, GMC, ठीक है, ओके। उसके बाद में अगर आपकी एज है दोस्तों 60 ईयर्स और एबव तो आपके लिए जो पेमेंट होगी वो आपकी होगी 30,000 रुपये पर मंथ, अलाउंसेस आपके लिए मिलेंगे। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, अगर आपकी उम्र दोस्तों 60 साल से कम है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल के लिए है, मतलब 3 साल तक आपके लिए कोई भी नहीं छेड़ेगा, आप काम कर सकते हैं। उसके बाद में ये रिन्यू भी होगा, आगे भी आपका जो पीरियड ऑफ एक्सटेंशन आपका जो है वो पीरियड कर दिया जाएगा। और आपकी अगर एज 60 ईयर्स है दोस्तों तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का आपका जो पीरियड है वो है दोस्तों 1 ईयर। उसके बाद में आपका जो है वो फर्दर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट आपको जो है वो एक्सटेंशन भी दिया जाएगा आपके लिए। उसके बाद दोस्तों कंडीशंस, कोई आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए, फिजिकल टेस्ट आपका दोस्तों लिया जाएगा क्योंकि ये सिक्योरिटी ऑफिसर की जो है वो वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों फिजिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड टू दी कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉलोड बाई इंटरव्यू, ठीक है। तो आपका होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका होगा नॉर्मल सा फिजिकल टेस्ट, ओके। उसके बाद में आपका जो है वो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कनाडा की नॉलेज है, मतलब कन्नड़ लैंग्वेज की नॉलेज है तो आपके लिए जो है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा, ओके। सर्विंग मिलिट्री पर्सनल हु आर रिटायरिंग ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024 में आल्सो अप्लाई। तो अगर आप सर्विस कर रहे हैं और आप 31 दिसंबर 2024 से पहले रिटायर होने वाले हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड रिलीवेंट एक्सपीरियंस शैल बी सेंट अलोंग विद दी एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपके लिए जो है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप करते समय दोस्तों बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर उसका एक प्रिंट लेना है और आपको उसके लिए भी दोस्तों इस एड्रेस पे जो है वो भेज देना है। एड्रेस है आपका दोस्तों, एप्लीकेशन शुड बी सेंड टू द
थ्रू स्पीड पोस्ट ऑब्लिक कोरियर आप कैसे भी भेज सकते हैं। एड्रेस है आपका जनरल मैनेजर HR बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, 3rd फ्लोर BMTC कॉम्प्लेक्स, KH रोड, शांति नगर, बेंगलुरु 560027। ठीक है, लिफाफे पे आपके दोस्तों जो इन्वॉल्व होगा उस पर आपका लिखा हुआ होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। ओके, और आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, उसके बाद में और भी उसमें कुछ नहीं लिखा होगा। लास्ट डेट जो है दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 9 सितंबर 2024 है, और एप्लीकेशन आपकी पहुँच जानी चाहिए फिजिकल दोस्तों यानी कि हार्ड कॉपी 13 सितंबर 2024 तक। ठीक, अगर दोस्तों फिर भी आपकी कोई भी डाउट है इस भर्ती से रिलेटेड, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।